अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे फ़िश कलाई आपके सामने। वीडियो आखिर तक देखिए, अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसका एक कान है, ये हमने निकाला है, ये कलाई के लिए भी तैयार है। इस पे काट लगाना है। अब हमने मछली अच्छी तरह धोया है। अब इसके ऊपर नमक लगाएंगे। इसके ऊपर नींबू। इसके ऊपर मछली का मसाला। इसके ऊपर हमने लहसुन का पेस्ट बनाया है, वो डाल देंगे। लहसुन का पानी, थोड़ा सफ़ेद सरका, हसब ज़रूरत। ये अभी मसाले से तैयार है। इसके ऊपर लगाएंगे हम टमाटर, इसके बीच में सब्ज़ मिर्च, दो से तीन दाने दरमियान में काट कर, और सब्ज़ धनिया। इसको हम बंद कर देंगे, अभी कलाई में लगाएंगे। ये कलाई है। कलाई इसके बराबर होगा, कलाई बीच में ये आएगा इस तरह। फिर इधर से कलाई काट के अभी इसको अच्छी तरह बांध करके कलाई को, कि इसमें सुराख ना हो जाए। एक सेट हो गया, अब दूसरा सेट।
जब ये तैयार हो जाए तो इंशाल्लाह इसका इतना खुशबू, इतना जायका, बहुत टेस्टी जायका है इसका। अभी जो दरमियान का हिस्सा है उसको हम बंद कर देंगे, इसमें हवा नहीं छोड़ना है, हवा निकाल के। ये इंशाल्लाह पैक हो गया, अभी इसके ये अंगार के ऊपर हम रख देंगे। हमने कोला बनाया इसके लिए, तकरीबन 40 से 50 55 मिनट इसका टाइम है, ये इंशाल्लाह तैयार हो। अभी हम कोयले पे रख देंगे, कोयले हमने बनाया है इसको, अभी हम कोयले के ऊपर रख देंगे। हमने पहले कोयला बनाया था, अब इसके ऊपर ये मछली हमने रख दिया, खलाई फिश। अब तकरीबन 40-50 मिनट लगेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। ये तकरीबन 20 मिनट हो गए, ये इस कंडीशन में है। अभी देखो इतना बुहार, इतना गैस इसमें जमा है, तकरीबन 20-25 मिनट होगा। इसको हमने अभी दूसरे सेट में तब्दील किया है, इसमें थोड़ा थोड़ा लिखता है इधर, हमने इस पर आटा लगाया है, इसके गैस नहीं निकलोगे। माशाल्लाह यह अभी तैयार हो गया, इसे हम यखनी निकालते हैं, इसमें यखनी बनते हैं, बहुत प्योर यखनी है इसका। अब देखो बहुत प्योर यखनी है इसमें, ये देखो बस इतना यखनी होता है, लेकिन होता है बहुत प्योर। आप देखो माशाल्लाह बहुत खुशबू आ रहा है इसे, बहुत टेस्टी है। ये देखो इतना ज़बरदस्त पक गया है। वीडियो आखिर तक देखिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसमें इससे कांटे इतना आसान निकलता है, देखो ये देखो इतना आसान कांटे निकलता है इससे। टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, खुशबूदार बहुत ज़्यादा है, और इसका यखनी बहुत टेस्टी होता है, बहुत गाढ़ा होता है।